नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। महाराजगंज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत खेसरहा शीतलापुर में कार्यक्रम। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के निचलौल विकास खंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत खेसरहा शीतलापुर में दिनांक 7 जनवरी 2024 दिन रविवार को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोरखपुर दुर्गा प्रसाद गुप्त की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। संकल्प यात्रा रथ पर एलईडी वॉल द्वारा वीडियो दिखाकर आयोजित कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दिया गया, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिले। इस कार्यक्रम में स्टॉल भी लगाए गए। इसमें किसान सम्मान निधि, शौचालय, मनरेगा आदि के लाभार्थियों से प्रार्थना पत्र भी लिया, ताकि वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला सके, और साथ ही साथ जिन लाभार्थियों को योजना का लाभ मिला है उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दुर्गा प्रसाद गुप्त क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश वर्मा जिला अध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अध्यक्ष मंडल गौतम चौधरी, मंडल अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा हरिओम मौर्य, महामंत्री मोहन पटेल, उपाध्यक्ष यशवंत प्रजापति, प्रधान महेंद्र नाथ पासवान, पूरा नोडल अधिकारी ग्राम राम गुलाम प्रजापति, ग्राम विकास अधिकारी रामकिशोर वर्मा, रोजगार सेवक जितेंद्र कुमार गुप्ता, पंचायत सहायक हरिओम गुप्ता, मुन्ना अंसारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच RSS जिला मीडिया प्रकोष्ठ महाराजगंज, गलोरा के रोजगार सेवक गोविंद गुप्ता, निजामुद्दीन अंसारी, मकसूदन वर्मा, राजू पासवान, उमेश चंद, लालू पासवान, तैयब अंसारी, चुन्नू अंसारी, सत्येंद्र कुमार, VDC प्रतिनिधि बसीर अंसारी, प्राथमिक के अध्यापक गण आशा, आंगनबाड़ी व सहायिका शिक्षा मित्र बिहारी पाल मुकुंद सहानी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के मशहूर बिरहा गायक मुरली सहानी, छोटा कंसारी सहित हजारों ग्रामीण उपस्थित रहे। कैमरा मैन बबिता वर्मा व महाराजगंज से मुन्ना अंसारी के साथ UP स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे।